सुकुमार सेनगुप्त स्मृति उद्यान में घूमने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ गोपगोड़ इको पार्क। तो ये रास्ते से आप लोगों को सीधा जाना होगा, राइट साइड ये है राजा नरेंद्र लाल खान वुमेंस कॉलेज यानी कि गोप कॉलेज। यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा और लेफ्ट साइड ये रोड जा रही है रंगामाटी और आगे का ये ट्रैक बहुत धूल उड़ा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि गोपगोड़ इको पार्क में एंट्री करने के लिए आप लोगों को गेट नंबर 2 में एंट्री करना होगा। तो चलो सीधा चलते हैं। तो फ्रेंड्स गोपगोड़ इको पार्क गेट नंबर 2 जाने के लिए आप लोगों को यहाँ से राइट साइड जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये है गोपगोड़ इको पार्क गेट नंबर 2। तो चलो एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैं गोपगोड़ इको पार्क आया तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर क्या क्या है देखने के लिए और आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग पूरा देखो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स ये है गोपगोड़ इको पार्क के अंदर पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप लोग बाइक पार्क कर सकते हो। वाओ कितना सुंदर लग रही है रास्ते के दो साइड झाव का ये पेड़, रियली वेरी नाइस फ्रेंड। फ़ोटो में मैं ये प्लेस दिखा था लेकिन फ़ोटो से ज़्यादा रियल में ये प्लेस आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सीधा आप लोग देख पा रहे हो ये है गोपगोड़ इको पार्क गेट नंबर 1। फिलहाल ये गेट अभी बंद है। तो फ्रेंड्स ये क्या है चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गोपगोड़ इको पार्क के बारे में लिखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो चलो अभी ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से आप लोगों को मैं व्यू दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स इस तरह पिकनिक स्पॉट है, अगर आप लोग आपके फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप लोग पिकनिक कर सकते हो फुल एंजॉय के साथ। अभी भी बहुत कुछ दिखाना है फ्रेंड्स आप लोगों को, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो चलो चलते हैं। और फ्रेंड्स पार्क के अंदर यहाँ पर कुछ स्टॉल है, यहाँ से आप लोग अगर आप लोगों को भूख लगा तो यहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हो। तो फ्रेंड्स सामने ये रहा मेन पार्क, तो चलो एंट्री करते हैं और आप लोगों को पूरा घूम के दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप इट एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज एंड वाचिंग एसएम लाइव। तो फ्रेंड्स सुकुमार स्मृति उद्यान के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं गोपगोड़ इको पार्क। तो यहां से मुझे एंट्री करना पड़ेगा, तो बाइक लेकर तो नहीं जा पाऊँगा लेकिन मुझे यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। तो चलो एंट्री करते हैं। अभी मैं आप लोगों को पूरा प्लेस एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। रियली फ्रेंड्स वेरी नाइस, काश मैं बाइक लेकर अंदर आ पाता। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फ्लावर का गार्डन्स है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये देखो कितना सुंदर फ्लावर का गार्डन्स, वेरी नाइस। सामने एक पुराना बिल्डिंग है, आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। और ये बिल्डिंग का नाम दिया गया है गोपगोड़ हेरिटेज बिल्डिंग, ये रहा।
यहाँ पर बैठने के लिए चेयर भी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हो। यहाँ से व्यू देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से, और ऊपर चढ़ेंगे एकदम ऊपर। चलो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, तो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स अभी कुछ देर पहले आप लोगों को जो घड़ी दिखाया था वो घड़ी अभी बज रहा है, उसी का साउंड आ रहा है अभी, आप लोग सुन पा रहे हो क्या? वो देखो और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप लोग देख पा रहे हो। तो चलो अभी उतरते हैं। अभी मैं पार्क के अंदर आ चुका हूँ, तो झूला झूलेंगे अभी। हो गया झूला का मजा लेना, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स इको पार्क तो मेरा घूमना हो गया, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ओके बाय बाय, सी अगेन।